चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को। बता दें कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। साथ ही यूपी के सभी 75 जिलों की आज के महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में मोदी ने बाबा विश्वनाथ की आधे घंटे पूजा की। 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रविदास गेट पर गले में बनारसी गमछा लपेटा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3 घंटे में 5 किमी लंबा रोड शो किया। रथ पर पीएम के साथ सीएम योगी और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। मोदी ने 30 मिनट तक बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। पीएम ने मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो शुरू किया। मोदी के स्वागत के लिए रास्ते में 100 मंच बनाए गए थे। मंच पर चढ़कर लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए, डमरू शहनाई और शंख बजाकर मोदी का स्वागत किया। मोदी और योगी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। वहीं मुस्लिम युवाओं ने कहा, मोदी बनारस से जीतेंगे, माहौल जोरदार है, आज उनसे नजरें मिले, लेकिन इस बार बीजेपी 400 पार नहीं जाएगी। यूपी के 3 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जमा सिक्योरिटी पर मिलेगा 303 करोड़ का ब्याज। जी हां, आपको बता दें कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश के 3.3 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर दी है। उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर वर्ष 2023-24 के लिए 6.75% की दर से ब्याज मिलेगा। ब्याज की धनराशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित यानी एडजस्ट कर ली जाएगी। मई और जून के बिल में उपभोक्ताओं को ब्याज की धनराशि कम कर बिजली बिल कंपनियां जारी करेंगी। बता दें कि विद्युत अधिनियम 2003 में दिए गए प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष उनकी जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज को देने का आदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मायावती ने फिर किया यूपी के बंटवारे का वादा। कहा, केंद्र में सरकार आई तो अवध बनेगा अलग प्रदेश। जी हां, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में हुए चुनावी सभा में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बंटवारे की चाल चली है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार में आने का मौका मिला तो अवध को नए राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मायावती ने 31 मिनट के भाषण में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों व किसानों के साथ गरीबों को साधने का काम किया। उन्होंने दलित समाज के वोट बैंक को हर स्तर पे भाजपा, कांग्रेस व सपा से सचेत किया। मायावती ने लखनऊ में पीजीआई समीप चुनावी सभा में यह भी कहा कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ तो भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे अधिक केंद्र में सरकार रही है, उसकी गलत नीतियों की वजह से आज भाजपा केंद्र में है। यूपी से कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 8500 रुपए। रायबरेली में राहुल की बड़ी घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि रायबरेली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा की। राहुल गांधी ने कहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही बेरोजगार युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। गांधी परिवार के रिश्तों का बखान करते हुए गठबंधन प्रत्याशी राहुल गांधी ने कहा, 4 जून को केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने के बाद कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करेगी और घरेलू उद्योगों को चीन से मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। क्या आप राहुल को जिताएंगे? कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के कई स्कूलों को उड़ाने की धमकी, छुट्टियां घोषित, घबराए अभिभावक, मची अफरा तफरी। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ के कई स्कूलों में धमकी भरा ईमेल आया है। इस धमकी भरे मेल में राजधानी के कई स्कूलों को उड़ाने की बात की गई है। सुबह लखनऊ के विरामखंड स्थित विपजोर स्कूल को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। इसके कुछ देर बाद ही LPS की PGI ब्रांच सेंट मैरी स्कूल कठौता शाखा को भी उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद स्कूल प्रबंधन सक्रिय हो गया, विपजोर स्कूल प्रशासन ने छुट्टी कर दी। राजधानी में सुबह अचानक जब ये धमकी मिले तो आनंद फानंद में बच्चों के अभिभावकों को इस सूचना प्रसारित किया गया। बच्चों को पेरेंट्स के साथ अनाउंसमेंट कर भेजा गया। यूपी में सपा का बटन दबाने पर निकली भाजपा की VVPAT पर्ची, जानिए क्या है सच्चाई। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के 13 सीटों पर चौथे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई। कई जगहों में ईवीएम में गड़बड़ी और मतदान के बहिष्कार की भी खबरें आई, लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी से वोटिंग के दौरान जो मामला सामने आया उसे सुनकर वोटर ही नहीं प्रत्याशियों में भी खलबली मच गई। दरअसल कुछ वोटरों का कहना था कि ईवीएम में जब वो बटन दबा रहे थे तो पर्ची किसी और पार्टी की निकल रही थी। वोटिंग के दौरान एक मुस्लिम महिला ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया। उसका कहना था कि सपा का बटन दबाने पर भाजपा के पर्ची निकल रही है। हालांकि महिला के वायरल वीडियो की जब पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और ही निकली। महिला अपने बयान से पलट गई, कहा बच्चा गोद में था, गलती से गलत बटन दब गया। वहीं इसी तरह का आरोप गोला क्षेत्र में सपा नेता ने भी लगाया है।
यूपी के इस जिले में व्यापक स्तर पर हटाया जाएगा अतिक्रमण, नगर निगम ने कस ली कमर। जी हां, आपको बता दें कि विशेष अतिक्रमण अभियान चलाने को नगर निगम ने रोस्टर जारी करने के बाद पूरी तरह कमर कस ली है। आज से 6 जून तक थानावार अतिक्रमण हटाने से पहले अनाउंसमेंट कराया जाएगा, जिससे नगर निगम मुरादाबाद पर अचानक अतिक्रमण हटाने के आरोप न लगे। अनाउंसमेंट के बाद अगर स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर से नगर निगम की टीम हटाएगी। नाले नाली ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पक्का या अस्थायी निर्माण करने और सरकारी जमीन व सड़क को घेरने वालों का अतिक्रमण हटेगा। शहर में आज से चलने वाले इस विशेष अभियान को लेकर नगर आयुक्त, महापौर और नगर विधायक से बातचीत हुई। यूपी के इस जिले में 7,000 शिक्षकों के एनपीएस खाते में 8 महीने से नहीं पहुंचे रुपए, ब्याज का हुआ नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि प्रयागराज के पर्षदीय विद्यालयों में कार्यरत तकरीबन 7,000 शिक्षकों के खाते में 8 महीने से राष्ट्रीय पेंशन योजना की कटौती की 33 करोड़ रुपए की धनराशि नहीं पहुँची है। इससे प्रत्येक शिक्षक को हर महीने हजारों रुपए ब्याज का नुकसान हो रहा है। एनपीएस के रूप में हर महीने वेतन की 10% कटौती होती है। प्रत्येक शिक्षक का औसतन 6,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 8 महीने का तकरीबन 48,000 खाते में नहीं पहुंचा है। जिले के लगभग 7,000 शिक्षकों की धनराशि जोड़े तो 33 करोड़ से अधिक है। आपको इसका लाभ मिला है या नहीं, कमेंट जरूर करें। हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी की सुनवाई टली, पिता के साथ बेटी नुसरत ने भी किया नामांकन। जी हां, आपको बता दें कि यूपी की गाजीपुर सीट से सांसद और समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को निलंबित करने के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख चलाई है। उधर इस मामले में आने वाले फैसले के चलते उम्मीदवारी को लेकर अनिश्चितता के बीच अफजाल अंसारी के साथ उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी गाजीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कर दिया। इस तरह गाजीपुर सीट से फिलहाल पिता पुत्री दोनों ने अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। पिछले कई दिनों से अफजाल अंसारी का चुनाव प्रचार कर रही हैं। यूपी बिजली विभाग ने 8 महीने में बदल डाले 1,00,000 से ज्यादा मीटर, जल्दबाजी बनी अधिकारियों के गले की फांस। जी हां, आपको बताने के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़े 21 जिलों में 8 महीने में 1,00,000 से ज्यादा मीटर बदले गए हैं। कम समय में ज्यादा मीटर बदलने में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए जाँच शुरू करा दी गई है। सभी परीक्षण खंडों के अधिशासी अभियंताओं से मीटर बदलने का कारण, किसके आदेश पर बदला गया मीटर, मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर बिल बना या नहीं आदि बिंदुओं पर जवाब मांगा। अचानक मीटर बदलने की रिपोर्ट मांगे जाने से परीक्षण खंडों में हलचल मची है। अभियंताओं के साथ ही सभी कर्मचारियों को रिपोर्ट तैयार करने में लगा दिया गया है। परीक्षण खंड में सुबह से देर रात तक बदले गए मीटरों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी, 8 करोड़ की लागत से इस सड़क का होगा चौड़ीकरण। जी हां, आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है। 2 किलोमीटर लंबी 4-लेन सड़क को 2 विभाग मिलकर चौड़ीकरण करेंगे। एक विभाग लगभग 500 मीटर तक लाला लाजपत राय रोड को 6-लेन करेगा। दूसरा विभाग दूरदर्शन केंद्र से कमिश्नर कार्यालय के सामने आने वाली 4-लेन को मजार तिराहे तक 2 से 3 मीटर तक चौड़ा बढ़ाएगा। लगभग 8 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तान और अयोध्या के राह को आसान बनाने के लिए मलाक हरहर से स्टेनली रोड तक 6-लेन पुल का निर्माण NHAI द्वारा हो रहा है। यूपी में पीएम मोदी समेत 28 के खिलाफ याचिका दाखिल, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला वाराणसी MP MLA कोर्ट 23 मई को करेगा सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ MP MLA कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी आरोप लगाए गए हैं। मामला मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कोर्ट के सामने पेश किया गया है। याचिका अधिवक्ता विकास सिंह ने दाखिल की है। पीएम मोदी के अतिरिक्त 28 और लोगों के खिलाफ याचिका को वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय की SCGM कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दाखिल याचिका में कोरोना महामारी के दौरान लगाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट का दावा किया गया। याचिका में पीएम समेत कंपनी से जुड़े लोगों को जिम्मेदार बताया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक बाद शुरू होगा SSC की परीक्षाओं का दौर, इन पदों पर होनी है भर्ती। जी हां, आपको बताने की लोकसभा चुनाव की मतगणना के ठीक अगले दिन यानी 5 जून से कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। जून और जुलाई में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाएं होनी है। इसमें JEE भर्ती, सिलेक्शन पोस्ट, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CHSL की परीक्षाएं लगी हुई हैं। सबसे पहले JEE भर्ती की परीक्षा शुरू होगी और इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों सहित अन्य जानकारियां मई के तीसरे सप्ताह में अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। जूनियर इंजीनियर के 968 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसका हमने आपको बताया था कि एक पद पर 500 लोगों ने आवेदन किया है।
यूपी में अखिलेश यादव 15 और 18 अप्रैल को आएंगे अयोध्या। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में करेंगे जनसभा। दरअसल आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 15 और 18 मई को अयोध्या आ रहे हैं। अखिलेश यादव दोनों दिन इंडिया गठबंधन और सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने बताया कि अखिलेश यादव 15 मई और 18 मई को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। 15 मई को मवई के दुल्लापुर मैदान में जनसभा करेंगे। 18 मई को इनायत नगर के चौराहा नंबर 5 पर जनता को संबोधित करेंगे। रायबरेली में राहुल पहुंचे सैलून, सेट कराए दाढ़ी और बाल, तस्वीर हुई वायरल। रैली में बोले अब शादी करूंगा। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने चुनावी सभा के बीच अपने लिए भी थोड़ा समय निकाला। लालगंज में चुनावी जनसभा के बाद वापस जाते समय कस्बे के बैसवारा डिग्री कॉलेज के सामने मिथुन सैलून में रुके। यहां पर बाल व दाढ़ी की सेटिंग कराई, इसके बाद वह आगे निकल गए। आपको बताने की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता ने उनसे जानना चाहा कि शादी कब करेंगे। शोर के बीच वह कुछ सुन नहीं पाए तो बहन प्रियंका ने बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करोगे। इस पर राहुल गांधी हंस पड़े और बोले कि जल्द शादी कर लूंगा। यूपी में प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे डॉक्टरों को राहत, नवीनीकरण के लिए नहीं तैयार करना होगा कागजों का पुलिंदा। जी हां, आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटलों का संचालन कर रहे डॉक्टरों के लिए राहत भरी खबर है। निजी अस्पताल के पंजीकरण के नवीनीकरण में चिकित्सकों को अब कागजों का पुलिंदा तैयार नहीं करना होगा। चिकित्सकों की मात्र सूचना पर अस्पतालों के पंजीकरण का नवीनीकरण हो जाएगा। शासन ने निजी अस्पतालों के पंजीकरण के रिन्यूअल की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। इसको लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जिसको देखते हुए शासन ने निजी अस्पताल संचालकों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नामांकन के बाद पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड को मथेंगे पीएम मोदी, होंगी 14 जनसभाएं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान 10 राज्यों के सीएम और 20 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बता दें कि नामांकन के बाद पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड को मथेंगे पीएम। 3 दिन में 14 लोकसभा सीटों के लिए जनसभा और रोड शो करके माहौल गरमाएंगे। भाजपा की ओर से तैयार कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नामांकन के बाद 16 मई को वाराणसी से सटे भदोही, जौनपुर और मछलीशहर सीट के साथ ही प्रतापगढ़ और लालगंज सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं फिर पीएम मोदी निजामाबाद में लालगंज और आजमगढ़ सीट पर भी संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम 17 मई को यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दिन वह बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में बहराइचगढ़ के पास बाराबंकी और मोहनलालगंज सीट की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के बरेली में 15 व 16 मई को ताजुल शरिया उर्स, 500 फोर्स तैनात। जमात रजा और मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव बोले मुफ्त ऑपरेशन के साथ 121 बेटियों को फ्री कंप्यूटर कोर्स। जी हां, आपको बता दें कि बरेली में 2 दिवसीय उर्स ताजुल शरिया 15 व 16 मई को मनाया जाएगा। इसमें विदेशों से भी जायरीन शामिल होंगे। जमात रजा मुस्तफा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने बताया कि ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रजा कादरी अजहरी मियां का 6ठा 2 रोजा उर्स ताजुल शरिया बरेली समेत दुनिया भर में मनाया जाएगा। दरगाह व मथुरापुर स्थित जामियातुर रजा में इस मौके पर सभी कार्यक्रम होंगे। यूपी में धनंजय सिंह की बड़ी मुश्किलें, अब लोकायुक्त की भी जांच के दायरे में आए पूर्व सांसद। जी हां, आपको बताने की पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक और मुसीबत में फंस गए हैं। जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी से जमीन खरीदने के आरोपों की जांच लोकायुक्त ने भी शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। धनंजय सिंह पर एक हफ्ते में दूसरी मुसीबत इसे मान सकते हैं। पिछले ही हफ्ते उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट बसपा ने काट दिया था। हालांकि बसपा की तरफ से कहा गया था कि धनंजय सिंह ने किसी डर या दबाव में खुद ही चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। इसके बाद उनकी पत्नी की जगह श्याम सिंह यादव को उतरना पड़ा। धनंजय सिंह ने यह भी कहा कि जौनपुर से सांसद वही बनेगा जिसे वह चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 जून से गर्मी की छुट्टी, 15 जुलाई से खुलेगा कैंपस, तय तारीख पर होंगे पूर्व घोषित कार्य। जी हां, आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबद्ध विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 3 जून से 14 जुलाई तक रहेगा। सोमवार को कुलसचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने इसका पत्र जारी कर दिया है। इस अवधि में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित रहेंगे। इस अवधि में जो शिक्षक परीक्षा और प्रवेश कार्य के दौरान ड्यूटी करेंगे उन्हें प्रतिकर अवकाश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिए जाएंगे। बिना लखनऊ आए पहुंचे कानपुर से अयोध्या, आउटर रिंग रोड को किया गया कनेक्ट, जाम से मिलेगा छुटकारा। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप कानपुर से अयोध्या जाना चाहते हैं तो लखनऊ शहर में कैंट, शहीद पथ और गोमती नगर के व्यस्त सड़कों पर जामों में फंसने की जरूरत नहीं है।
कानपुर से लखनऊ आते समय जहां पर 18 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखे, वहीं से इंटरसेक्शन के जरिए दाहिनी तरफ मुड़कर सुल्तानपुर हाईवे को छोड़ते हुए अयोध्या रोड पर बीबीडी के पास उतर जाएं। इसी तरह अगर सीतापुर रोड से अयोध्या वाराणसी या कानपुर जाना है तो बख्शी का तालाब के पास आउटर रिंग रोड को कनेक्ट किया गया है। यहाँ बीकेटी से रिंग रोड पर चढ़ सकते हैं। यह सड़क कुर्सी रोड व देवा रोड को क्रॉस करते हुए अयोध्या रोड से कनेक्ट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देख रहा नामांकन फॉर्म जमा नहीं होने पर भड़के श्याम रंगीला। जी हां, आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने और नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए लोगों की लाइन लगी रही। फॉर्म जमा करने के लिए लोग सुबह 8 से ही वाराणसी कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए। सोमवार को घंटों इंतजार के बाद भी काफी लोगों का फॉर्म जमा नहीं हो सका तो पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कॉमेडियन श्याम रंगीला भी फॉर्म नहीं जमा कर सके, इस पर वह भड़क गए। श्याम रंगीला ने कहा कि अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, लोकतंत्र का गला घुटते अपनी आंखों से देख रहा हूं, अभी लोकतंत्र को मारा गया है, अभी गला घुटते देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में प्रियंका ने कहा आपके सांसद अहंकारी हैं, लोग समस्या लेकर जाते हैं तो उन्हें खदेड़ा जाता है। योगी बोले पाक में आटे के लिए हो रही मारपीट। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि आपके सांसद अहंकारी हैं, सुनने में आता है कि लोग समस्या लेकर जाते, उन समस्याओं का हल करने के बजाय उन्हें खदेड़ा जाता है। अमेठी में हमेशा सभ्य राजनीति होती रही है, यहाँ की जनता इस तरह की राजनीति नहीं चाहती। मेरे पिता, माँ और भैया ने बहुत श्रद्धा से काम किया, वे पीएम होते हुए झुक कर जनता के सामने आते थे। इधर बांदा में सीएम योगी ने चुनावी रैली में कहा 80 लोग भारत में मुफ्त राशन ले रहे हैं। पाक की आबादी 23-24 है, वहाँ पर 1 आटे के लिए मारपीट हो रही है। ये जो पाक का राग अलाप रहे हैं उन्हें कहिए कि जाओ पाकिस्तान का ही हिस्सा बनो। उत्तर प्रदेश में मतदान केंद्रों पर मिलेगा ठंडा पानी, नगर निगम पार्किंग की भी करेगा व्यवस्था, सभी जगह लगेंगे टेंट। जी हां, आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर अब ठंडा पानी मिलेगा, इसके अलावा वहां नगर निगम पार्किंग की व्यवस्था करेगा। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर यह आदेश दिया। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि जोनल अधिकारी, जोनल स्वास्थ्य अधिकारी अपने आवंटित जोन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त मतदान केंद्रों व पहुँच मार्गों पर सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर सफाई व खाद्य निरीक्षक की तैनाती रखें। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, यूपी से इन धुरंधरों ने किया टॉप। जी हां, आपको बताने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2023-24 के लिए सेकेंडरी कक्षा 10 व सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 के नतीजे जारी कर दिए। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर नतीजे घोषित किए। फिरोजाबाद से शिकोहाबाद के द एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इंटरमीडिएट की छात्रा गुनगुन ने 97.7% अंक प्राप्त किए हैं। सीबीएसई 12वीं कक्षा में दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा रोड के लक्ष्य भारद्वाज को 99.2% अंक प्राप्त हुए। वैसे आपने यूपीएससी सीबीएसई किस बोर्ड से पढ़ा और आपको कितना नंबर मिला, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में 25 की जमीन भू माफिया से खाली कराई, जमीन कब्जा कराने पर दर्ज कराया मुकदमा, लेखपाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि नगर निगम ने अपनी 25 की जमीन खाली कराई है। नगर निगम कर्मचारियों और भू माफियाओं के मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से कराई जा रही जांच में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक कई करोड़ों की जमीन लखनऊ नगर निगम प्रशासन खाली करवा चुका है। सरोजनी नगर स्थित ग्राम बेहटवा में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल बना ली गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डीजीपी प्रशांत बोले यूपी में पुलिस का अपना मॉडल, नेपाल सीमा पर कड़ा पहरा, फंडिंग रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तैनात। जी हां, आपको बताने के चुनाव में बवाल को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट है, संदिग्ध और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे प्रदेशों की सीमा से घुसकर कोई अराजकता न फैला सके इसकी भी चेकिंग की जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस का अपना मॉडल है, इसी लिहाज से काम किया जा रहा है। चुनाव में फंडिंग और नशीले पदार्थ की सप्लाई को रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड टीम तैनात की गई है। नेपाल सीमा से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही, सभी राज्य के डीजीपी और नेपाल के साथ समन्वय बैठक भी हुई है। आपको बता दें यह बातें कही है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने। यूपी में गन्ने की खेती के लिए जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, बोले गन्ना क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है, खरपतवार नियंत्रण के लिए गुड़ाई और दवा का छिड़काव करें। दरअसल कुशीनगर के गन्ने के वैज्ञानिक खेती के प्रति कृषकों को जागरूक करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां पेड़ी गन्ने का प्रबंधक, गन्ना फसलों में कृषि यंत्रों के प्रयोग से लाभ, गन्ने कीट रोग नियंत्रण, सिंचाई, गन्ना सर्वेक्षण तथा गन्ना विकास के लिए शासन मिल की योजनाओं आदि के विषय में चर्चा की गई। खरपतवार नियंत्रण के लिए गुड़ाई करें तथा खरपतवार नाशक रसायन रक्षक मात्रा 115 मिलीमीटर व एट्राजिन 500 ग्राम को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मतमुड़िया कीट नियंत्रण के लिए ट्राइकोकार्ड वर्षा काल में प्रयोग करें। हेलीप्रो या जायकोर मात्रा 150 मिली को 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें।
इमाम कांड का हुआ खुलासा। शारीरिक शोषण से परेशान छात्रों ने मौलाना को खिलाई नशे की गोली। जी हां, आपको बता दें कि अजमेर में उत्तर प्रदेश के शाहबाद के इमाम मोहम्मद माहिर के कांड का अजमेर पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी अजमेर देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए 6 छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि घटना के 15वें दिन अजमेर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। अजमेर पुलिस ने बताया कि इमाम माहिर मदरसे के छात्रों के साथ गलत काम करता था, जिससे मदरसे के सभी छात्र परेशान थे। शारीरिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए इमाम माहिर को मारने का प्लान बनाया था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भाजपा नेता व पत्रकार को गोली से मारा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां पर जौनपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के सबहरत बाजार में सोमवार की सुबह अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता व सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सहयोगी आशुतोष श्रीवास्तव को गोली मार दिया। दरअसल आपको बता दें कि आशुतोष ने इसके लिए पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कहा था कि आप घर से न निकलिए, घर में रहिए, आपकी जान को खतरा है, दो लोग आपको मारना चाहते हैं। इस पर आशुतोष ने कहा, मैं कब तक अपने घर में रहूंगा, आप मुझे सुरक्षा दे दीजिए। लेकिन पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। दोस्तों, खबरें लाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा लें ऐसे ही रोज की ताजा खबरों।